डेयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड एसोसिएशन इम्पैक्ट देखिए हमारा जो सस्टेनेबिलिटी का फोकस है वो ह्यूमनिटी पर है हम एज ए ह्यूमन बीइंग बात करते हैं वर्ल्ड पूरे की बात करते हैं लोगों की बात करते हैं हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि पापुलेशन ग्रोथ जो है वो बुनियादी रोल प्ले करता है अब चाहे उसके अंदर इनिक्वलिटी की बात करें या हम अर्थ की बात करें मुख्तलिफ़ चैलेंजेस की बात करें तो हम जितने भी चैलेंजेस जो हैं जिनको हम फोकस करना चाहेंगे जिनको हम टारगेट करना चाहेंगे वो तमाम के तमाम इंटरलिंक हैं विद द पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए हमने इम्यूनिटी के ऊपर बात की बिल्कुल ठीक हमने कहा कि तमाम दुनिया के लोग बराबर हैं उसके अंदर हमने जेंडर की रिलीजन कल्चर रीजन, हमने द बोर्ड बात की और अक्रॉस द बोर्ड बात करते हुए हमने कहा कि जहां पे डिवेल्प कंट्री जिस प्लेस पे खड़े हैं डिवेल्पिंग कंट्री को भी उनके अलाइन लाना चाहिए और जब हम ये बात करते हैं तो इसमें फोकस ह्यूमिटी है ह्यूमन बीइंग है अब ह्यूमन बीइंग के साथ जो तो एसोसिएटेड इम्पेक्ट है उसी एसोसिएटेड इम्पैक्ट के ऊपर एक इम्पैक्ट जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ का है कि देखें अगर वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन अनबैलेंस होगा तो हम जो ह्यम्यूनिटी की बात करते हैं हम वो बात करने के बावजूद हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकेंगे और वो टारगेट क्यों नहीं अचीव कर सकेंगे उसकी मेन वजह ये है कि जब तक जिनको हम एम्पावर करने के बाद जिनको हम बराबरी पे लाना चाह रहे हैं वो खुद मोटिवेटेड नहीं है अब देखें अगर हम उनको मोटिवेट करते हैं और उनको कहते हैं कि जी यहाँ से किसी से एक कंट्री की बात करते हैं हम कंट्री एक्स या वाई हम कहते हैं कि इस कंट्री से हम गुर्बत करना चाहते हैं इस कंट्री से हम लिटरेसी रेट को नाश करना चाहते हैं इस कंट्री से जो इन्वामेंट पोल्यूशन हो रही है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं जो वार्मिंग हो रही है उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो अब इसका जो मेन होगा ड्राइमन फैक्टर्स जो होगा या मेन ड्राइवर जो होगा जहाँ से इंसान ड्राइव होगा वो दो चीज़ें हैं या लॉजिक है या इमोशंस है, है देखें आप अगर किसी एक कंट्री से और उसके लोगों से लॉजिक से बात करें और उसको ये समझाने की कोशिश करें कि भाई देखें आप अगर अपनी पॉपुलेशन को गु... कंट्रोल नहीं करते तो हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा अगर हम ये बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि जी हमारे रिसोर्सेज हमारी अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ें हैं रिलेटेड टू दी हेल्थ एजुकेशन जस्टिस पीस हम अगर उसकी कोई फिगर देना शुरू कर देते हैं उनको और एक फिगर दे सकते हैं या एक फिगर बताने की सलाहियत रखते हैं तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे अगर हम एक बंदे को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई देखें फ्यूचर में अगर आपकी पॉपुलेशन में आपके घर में आप दो लोग हैं मियाँ बीवी हैं आपके घर में दो का इजाफ़ा हो जाता है तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके साथ ये स्टेबल हैं उसके साथ ये बैलेंस है हमारी जो प्लानिंग है वो अप्रोप्रिएट है हमने जो टारगेट्स बनाए हैं वो हम अचीव कर सकते हैं और अगर आप दो घर के अफराद कन्वर्ट होते हैं सिक्स में या एट में तो आने साले आने वाले दस सालों के अंदर हमारे रिसोर्सेस जो हैं अप्रोप्रिएट नहीं होंगे हमारे पास हेल्थ की फैसिलिटीज इतनी नहीं होंगे कि हम इनको हेल्थ प्रोवाइड कर सकें हमारे पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी इतनी कि हम इसको प्रोवाइड कर सकें अब देखें एक तो हमने बात समझानी है लॉजिक के साथ तो या तो या ये प्रोसीजर है या मोटिवेशन का दूसरा प्रोसीजर है वो है इमोशन कि आप इमोशनली उसको चार्ज करें और इमोशनली चार्ज करने के बाद उसको इस बात पे लेके आए कि भई बात ये है कि कल आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चे को अगर हेल्थ की फैसिलिटी ना मिल रही हो या तुम्हारा बच्चा इस वजह से डिसेबल हो जाए कि उसको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं की गई थी और वैक्सीन इसलिए प्रोवाइड नहीं की गई थी कि जो प्लानर था जो डिवेल्प्ट डिपिंग कंट्री था डिवेल्प कंट्री था जिसने डिवेल्पिंग कंट्री को प्रोवाइड करना था उसकी प्लानिंग के मुताबिक जो रिसोर्सेज थे वो उतने अवेलेबल नहीं हुए तो दूसरा ये है कि आप किसी भी शख्स को अमोशन के साथ प्ले करते हुए उसको इस बावर करवाएं कि जी आपका जो बच्चा कल को डिसेबल हो जाएगा खुदा न खास्ता तो वो आपकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा वो सिर्फ आपके ऊपर बर्डन नहीं है वो पूरी सोसाइटी के ऊपर बर्डन बन जाएगा तो अगर हम लॉजिक से अमोशन से या इंस्टेंट से किसी भी इन तीस चीज़ों से अगर हम मोटिवेशन मोटिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं हमारी पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हो सकती है तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा कि हमारे जो एस टीजी गोल्स हैं उनको हम टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं